29 तक कोई वैकेंसी नहीं है, और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, 30 तक यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। 25 में भी हम लोग सरकार में आएंगे और फिर 30 में भी सरकार में आएंगे, और विपक्ष नाम का कोई चीज़ है नहीं। तो झोपड़ी में हेलीकॉप्टर घुसेगा कि हेलीकॉप्टर में झोपड़ी घुसेगा, सब वोट कटवा लोग हैं, NDA कंटेस्ट में कोई नहीं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मेरा नाम उदित तारण है। पटना एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और तारापुर विधानसभा के उपचुनाव जो होने जा रहा है उसके प्रचार से वापस लौटे हैं तमाम नेतागण। आपने मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया सुनी, तेजस्वी यादव पर हमलावर थे, तो साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस जो कि लोजपा गुट के हैं, सिलाई मशीन जिन्हें चुनाव छाप मिला है, अभी हाल ही में दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका साफ कहना है कि 2029 तक केंद्र में और 2030 तक बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। 2029 तक PM नरेंद्र मोदी बने रहेंगे और 2030 तक बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। देखिए, चुनाव तो बहुत अधिक मतों से हम लोग जीतेंगे, कोई कंटेस्ट नहीं है। अब एक खाना पूर्ति है, हम लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, कोई कंटेस्ट नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 29 तक कोई वैकेंसी नहीं है, और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, 30 तक यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। 25 में भी हम लोग सरकार में आएंगे और फिर 30 में भी सरकार में आएंगे, और विपक्ष नाम का कोई चीज़ है नहीं। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कांग्रेस कहाँ चला गया, हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा है, झोपड़ी में झोपड़ी चुनाव चिन्ह था क्या, एक हेलीकॉप्टर पर चला गया, तो झोपड़ी में हेलीकॉप्टर घुसेगा कि हेलीकॉप्टर में झोपड़ी घुसेगा, इसलिए सब वोट कटवा लोग हैं, NDA कंटेस्ट में कोई नहीं। चिराग पासवान वोट कटवा है सर। तो आपने पशुपति कुमार पारस को सुना, साथ ही साथ जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिरकार चिराग पासवान किस भूमिका में रहेंगे, क्या वो वोट काटेंगे या फिर उनके जीत की संभावना है, तो इस पर कुछ भी नहीं बोले और सीधे पीछे मुड़कर वो निकल जाते हैं। लेकिन जो देखने को मिला, तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी CM, साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री और मुकेश सहनी बिहार सरकार के मंत्री, तीनों लोग साथ में आए हैं पटना एयरपोर्ट पर, चुनाव प्रचार से लौटे हैं और तारापुर में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और यही कारण है कि लगातार जो NDA के तमाम बड़े नेता हैं वे पहुंच रहे हैं तारापुर और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ ये खबर अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, बहुत बहुत धन्यवाद।